आप देख रहे हैं प्राइम टीवी, सच साहस सरोकार। नमस्कार, आप देख रहे हैं प्राइम टीवी और मैं हूं आपके साथ नंदिनी यादव। वक्त हो चुका है 75 जिले की 75 बड़ी खबरों का। अखिलेश यादव ने भाजपा पर कसा तंज, बोले भाजपा राज में महिलाएं सबसे ज्यादा असुरक्षित। भाजपा की जीत का रोड मैप तैयार करेंगे नड्डा और 4-28 फरवरी को सहारनपुर और अमरोहा में बनाएंगे रणनीति। यूपी सरकार के मंत्री राकेश सचान के नाम पर 72 प्लॉट फतेहपुर इंडस्ट्रियल एरिया में अलॉटमेंट। हिमाचल के नए गवर्नर बने शिव प्रताप शुक्ला, संस्कृत मिली शपथ, बोले सादा जीवन जीना पसंद, हवाई सफर कम करूंगा। प्रयागराज में इमरान प्रताप गढ़ी ने भाजपा पर कसा तंज, बोले बीजेपी ने राहुल की छवि खराब करने में करोड़ों रुपए खर्च किए। पर्यावरण संरक्षण के लिए संघ प्रमुख मोहन भागवत का आह्वान, स्वयं सेवक चलाए एक वृक्ष राष्ट्र के नाम का अभियान। भगवान नरसिंह की रंगभरी शोभा यात्रा में शामिल होंगे सीएम योगी आदित्यनाथ, स्वीकार किया आमंत्रण। कासगंज जेल में अंसारी को सता रहा माफिया कुंटू का डर, दोनों में हो चुकी है गैंगवार, जेल बदलने की मांग। अनिल वारसी ने दिया फिर विवादित बयान, कहा मेरे पार्टी के सांसद के इशारे पर सब कुछ हो रहा है। अमरोहा में सांसद कुंवर दानिश अली का पुतला फूंका, गोडसे पर टिप्पणी पर जताया विरोध। बदायूं में भी दिखा महाशिवरात्रि पर भक्तों में उत्साह, पटना शिव मंदिर पर हजारों की संख्या में भगवान शंकर के भक्त उमड़े। फिरोजाबाद नाले में मिला लापता युवक का शव, सूचना पर पहुंची पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेजा। गाजियाबाद में कोहरे का कहर, दिल्ली मेरठ एक्सप्रेस वे पर टकरा गई दर्जनों गाड़ियां। भाजपा अध्यक्ष ओम प्रकाश राजभर का बड़ा बयान, बोले सपा में अपनी बात कहने का किसी का कोई हक नहीं है। रायबरेली में युवक को दूसरी शादी करना पड़ा महंगा, दूसरी शादी करने पर नाराज परिजनों ने युवक की जमकर की पिटाई। प्रयागराज में कवरेज के लिए गए पत्रकार के साथ पुलिस वालों ने की मारपीट, मारपीट से स्थानीय पत्रकारों ने दिखाई नाराजगी। हाई सिक्योरिटी नंबर प्लेट को लेकर परिवहन मंत्री ने जारी किया आदेश, आदेश के बाद हाई सिक्योरिटी नंबर न होने पर कट रहा है चालान। रायबरेली में पति पत्नी के विवाद में पत्नी ने खाया जहरीला पदार्थ, पत्नी को जिला अस्पताल में कराया गया भर्ती। प्रेमिका के साथ रंगेलिया मना रहे सिपाही की काली करतूत आई सामने, विरोध करने पर युवक को चलती बाइक से घसीटा। बुलंदशहर में मकान में घुसे चोरों ने लाखों के आभूषण और नकदी पर हाथ साफ किया, घटनास्थल का मुआयजा कर जांच में जुटी पुलिस।
लखनऊ में सपा कार्यालय के बाहर से हटाए गए विवादित पोस्टर, प्रदेश कार्यालय के बाहर लगातार लग रहे थे विवादित पोस्टर। चंदौली में शिव बारात निकलने के दौरान मारपीट, मारपीट के दौरान एक युवक गंभीर रूप से घायल। कन्नौज में दो गुटों में जमकर चले लाठी डंडे, मारपीट में तीन घायल, पुलिस ने कई धाराओं में दर्ज किया मुकदमा। कानपुर में चर्च के पादरी पर बच्चों की पिटाई का लगा आरोप, पिटाई को लेकर स्थानीय लोगों ने किया हंगामा। ब्रज की अनोखी होली, हुरियारे पहनते हैं बगलबंदी लहंगा, हुरियारीन पहनती है लहंगा फरिया। लखनऊ में फ्लाईओवर से गिरी बोलेरो, तीन की मौत, अयोध्या से शादी समारोह से लौट रहे थे, रेलिंग तोड़ते हुए 30 फीट नीचे गिरी। पति की हत्या कर रात भर लाश के साथ सोई पत्नी बोली, बेटी से रेप करना चाहता था इसलिए मार दिया। बोलेरो की टक्कर, गन्ने से हुई टक्कर में दूल्हा पिता समेत पांच की मौत, लड़की की मां का दर्द, ये जेवर और लाल जोड़ा उतार दी बेटी। नहीं मिले गंगा में डूबे एमबीबीएस के तीन छात्र, रात भर चला सर्च ऑपरेशन, एक किलोमीटर तक बहकर जाने की आशंका है। लाख क्लेम के लिए ऑडी दोस्त से चोरी करवाई, दिल्ली स्क्रैप कारोबारी को कार दी, गाजियाबाद पुलिस ने पकड़ा। मेरठ में गन्ने से लदा ट्रक पलटा, चौकीदार की मौत, 24 घंटे से लापता था, गार्ड परिजन जता रहे थे गन्ने के नीचे दबने की आशंका। चलती कार में लगी आग, वृंदावन के प्रेम मंदिर के पास कार में लगी आग, कार सवारों ने कूदकर बचाई अपनी जान। बदायूं में युवक की हत्या कर कुआं में छिपाई लाश, छोटे भाई के दो सोने की वारदात, 15 दिन से लापता था युवक। नशे का इंजेक्शन नहीं देने पर दोस्त की हत्या, गाजियाबाद पुलिस कस्टडी में, दोस्त बोला मेरे हिस्से का इंजेक्शन भी अकिल ने लगा लिया। बांदा में सड़क हादसे में पति पत्नी और बच्ची की मौत, बोलेरो ने बाइक को मारी टक्कर, एमपी के छतरपुर के रहने वाले थे। मेरठ में महिला पर स्कूटी सवार ने किया टिप्पणी, जमकर मारपीट और पथराव, शादी समारोह से आ रही थी महिला। गाजीपुर में शो पीस, बनी पानी की टंकी, कई गांवों की जलापूर्ति बाधित, ग्रामीण बोले सीएम को भी ट्वीट करने पर नहीं हुई सुनवाई। बुलंदशहर में कैंटर ने बाइक सवारों को कुचला, हादसे में चाचा भतीजे समेत तीन की मौत, शादी समारोह से लौट रहे थे घर। पुलिस कस्टडी से फरार बदमाश 12 घंटे में गिरफ्तार, मेरठ के मेडिकल के लिए जाते वक्त हुए थे फरार। ललितपुर में तीसरी मंजिल से गिरे वैद्य की मौत, छत पर निर्माणाधीन मकान पर काम देखने गए थे, पैर फिसलने से हुआ हादसा। मुख्य सचिव ने की अधिकारियों के साथ बैठक, मथुरा में चल रही प्रमुख योजनाओं की जानी प्रगति, पार्षद ने सौंपा ज्ञापन। उन्नाव में 9 करोड़ की लागत से बनेगा ड्रग वेयर हाउस, निर्माण कार्य शुरू, लखनऊ से दवाइयां नहीं मंगानी पड़ेगी।
विजिलेंस टीम ने बिजली चोरी पर डाला पर्दा। लखनऊ में 12 जनवरी को राजभवन उपखंड में 3 घरों में की थी छापेमारी। गोरखपुर के युवक पर किशोरी को भगाने का आरोप। देवरिया में खेत में काम करने गई थी नाबालिग, मुकदमा दर्ज। बस्ती में चलती कार में लगी आग, कार सवारों ने कूदकर बचाई अपनी जान। तिलक समारोह से लौट रहे थे कार सवार। आजम की सल्तनत उजाड़ने वाले AIS को एक्सटेंशन मुरादाबाद के कमिश्नर बने रहने के आजन्य सिंह, तीसरी बार बढ़ी प्रतिनियुक्ति। ब्राह्मण महासभा के अध्यक्ष पर SC ST की FIR। कानपुर में दुर्गेश मणि बोले, भाजपा की सरकार में ब्राह्मणों की दुर्दशा। शादी का कार्ड बांटने गए युवक की मौत। गोला में गोवन से टकराई थी बाइक। 27 फरवरी को पुत्री का हो रहा है विवाह। बागपत में फर्नीचर के गोदाम में लगी आग, 4 घंटे की कड़ी मशक्कत पर आग पर पाया गया काबू। 70 लाख सामान जलकर हुआ राख। बस्ती में 8वीं की छात्रा ने किया सुसाइड। आश्रम पद्धति विश्वविद्यालय के कमरे में लटका मिला शव। मौके पर SDM और CO मौजूद। बागपत में खेकड़ा स्टेडियम के समीप ट्रक में लगी आग, ट्रक चालक ने कूदकर बचाई अपनी जान। मशक्कत के बाद आग पर पाया गया काबू। हमीरपुर में लूट कांडा बना सरकारी अस्पताल। इमरजेंसी ड्यूटी पर तैनात चिकित्सक लिख रहे हैं बाहर की दवाएं। ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती भाषा यूनिवर्सिटी में छात्रों का हंगामा। लखनऊ में हॉस्टल के खाने में कीड़ा मिलने पर भड़के छात्र। गाजियाबाद में भाकियू कार्यकर्ताओं का प्रदर्शन। किसानों ने विभिन्न मांगों को लेकर SP को सौंपा ज्ञापन। हापुड़ में वारंटियों को पकड़ने गई पुलिस टीम पर हमला। महिलाओं ने दरुआ की वर्दी फाड़ी, 3 आरोपी गिरफ्तार। फतेहपुर में ट्रेन से कटकर महिला की मौत। मंदिर से पूजा कर लौट रही थी, रेलवे लाइन पार करते समय हुआ हादसा। पीलीभीत में देखने को मिला तेज रफ्तार का कहर। पिकअप की चपेट में आने से युवक की मौत, आई भाई गंभीर रूप से हुआ घायल। बागपत में स्कूल बस समेत 6 गाड़ियों में टक्कर, हादसे में 8 लोग हुए घायल। राहत कार में जुटी पुलिस। दिल्ली सहारनपुर हाईवे पर हुआ हादसा। बुलंदशहर में सहकारी बैंक के सचिव सस्पेंड। ई शाखा खोलने में बरती लापरवाही, इटावा से किया गया था संबद्ध। मुजफ्फरनगर में शराब ठेकों पर हजारों की लूट, हथियारबंद बदमाशों ने कई सेल्समैन को लूटा, अज्ञात में FIR। बुलंदशहर में ऑफिस में कार्यरत कर्मी पर जानलेवा हमला। भाई और भाभी ने सरेआम की मारपीट, पैसों को लेकर चल रहा था विवाद। फतेहपुर में शॉर्ट सर्किट से 2 दुकान में लगी आग, फायर ब्रिगेड टीम के पहुंचने से पहले जलकर हुई राख, लाखों का हुआ नुकसान। मिर्जापुर में मजदूरी की मांग को लेकर तहसील पहुंची महिलाएं, बोली अब भूखे पेट रहा नहीं जाता, SDM ने दिया आश्वासन। पीलीभीत में गन्ने के खेत में दिखी बाघ की चहलकदमी, निगरानी में जुटी वन विभाग की टीम।
हमीरपुर में बारातियों पर युवक ने बरसाए पत्थर, शराबी को लोगों ने भगाया तो घर की छत पर चढ़कर पत्थर फेंकने लगा। रायबरेली में सास बहू के झगड़े में बहू ने कांच पीस कर खाया, गंभीर हालत में अस्पताल में कराया गया भर्ती। ऑल इंडिया उर्दू का प्रेस कॉन्फ्रेंस, प्रेस कॉन्फ्रेंस में शामिल हुए ऑल इंडिया उर्दू फाउंडेशन के तमाम पदाधिकारी। मेरठ में एसओजी और पुलिस बदमाशों के बीच हुई मुठभेड़, मुठभेड़ में दो बदमाश के पैर में लगी गोली लगने से घायल हुए। सरकारी आवास में मिला जिला जज कारदली का शव, कानपुर में शादी समारोह में फिरोजाबाद लौटी पत्नी को लटकी मिली लाश। चार घरों से चोरों ने उड़ाए लाखों का माल, पुलिस गश्त की खुली पोल, क्षेत्र में चोरों ने घटना को दिया अंजाम। फिरोजाबाद में मामूली विवाद में दो पक्षों में मारपीट, लाठी डंडों से मार मार करके गया घायल, लोडर पलटने से शुरू हुई थी लड़ाई। कुशीनगर में बालू खनन माफियाओं पर चला प्रशासन का बुलडोजर, कार्रवाई से पहले फरार हुए खनन माफिया। बदायूं में पेड़ से टकराई बाइक, बरेली के युवक की मौत, ससुराल से लौटते समय पुलिया से टकराकर पेड़ से लड़ी बाइक। सहारनपुर में शादी का झांसा देकर नाबालिग को किया गर्भवती, बच्ची पैदा होने पर जंगल में फेंका आरोपी गिरफ्तार। टेंट की रॉड गिरने से मजदूर की मौत, मोतीझील में शादी समारोह के लिए लगा रहा था टेंट, सिर पर गिरा था लोहे का पाइप। फिलहाल 75 जिले की 75 बड़ी खबरों में बस इतना ही, देश दुनिया की तमाम खबरों के लिए बने रहिए हमारे साथ, देखते रहिए प्राइम टीवी। आप देख रहे हैं प्राइम टीवी, सच